बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्रवाई 6 दिन के अवकाश के बाद फिर से शुरू हुई और जिस तरह छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड को लेकर, डीएमएफ फंड की बंदरबांट को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आई और सरकार को किसी और ने नहीं घेरा, मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, मोहन मरकाम कांग्रेस के विधायक हैं कोंडागांव से, उन्होंने अपने ही मंत्री को इस पूरे विषय पर घेरा कि डीएमएफ फंड की बंदरबांट हो रही है। अब डीएमएफ फंड होता क्या है, देखिए हर जिले में जिला खनिज न्यास होता है, ये वो फंड होता है जो जिले के लिए, जिले के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, जिले के विकास के लिए जो है वो फंड दिया जाता है सेंट्रल की तरफ से। अब ऐसे में देखिए जब सरकार आई तो सरकार ने अधिकृत किया कि प्रभारी मंत्री जो है वो डीएमएफ फंड का बंटवारा करेंगे, लेकिन केंद्र ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया और बहुत साफ किया, जो डीएमएफ, चूंकि केंद्र इसमें अलॉट करता है तो केंद्र के हिसाब से चीजें चलेंगी और जो पुरानी व्यवस्था थी कि कलेक्टर जवाबदेह होते हैं डीएमएफ के, वही व्यवस्था फिर से लागू की गई। अब मोहन मरकाम सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं विधानसभा के भीतर, 7 करोड़ की बंदरबांट हुई और रविंद्र चौबे को घेरा उन्होंने, खुद के मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं रविंद्र चौबे, पहले टीएस सिंहदेव हुआ करते थे, टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ दिया तो वो पंचायत विभाग अब रविंद्र चौबे के पास, रविंद्र चौबे ने जवाब दिया कि जांच इस विषय पर कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो विधानसभा शुरू होते ही आज सबसे पहले सोहन पोटाई को श्रद्धांजलि दी गई, उनका निधन हुआ था और उसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ मोहन मरकाम जो है वो अपनी सरकार के खिलाफ तेज तेवर, तीखे तेवर पे नजर आया। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ हुआ विधानसभा के भीतर, फिर इस दोपहर के दम की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ राशि का जो जिस ढंग से बंदरबांट हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में, मतलब जो सप्लाई का काम किया गया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं आप नाम उसका उजागर क्यों नहीं करना नहीं चाहते, और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते, और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है, और सबसे बड़ी बात आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते हैं, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है, तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? मरकाम साहब कह रहे हैं कि पूरा 7 करोड़ का बंदरबांट हुआ है। अध्यक्ष जी, अगर ऐसी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरा 7 करोड़ के इस तरीके से बंदरबांट हुआ होगा, लेकिन हमारे जिम्मेदारी से प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न किया है कि इसकी जांच कराना है, तो मैं यहाँ राज्य स्तर के अधिकारी भेज करके इसकी जांच करा लूंगा। तो डीएमएफ में लगभग 50% का तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जग जाहिर है, और ऐसे गंभीर मामले में पब्लिक एक्सचेकर के पैसे को बर्बादी हो रही है, तो आपसे चाहेंगे कि माननीय सीनियर सदस्य मोहन मरकाम जी बोल रहे हैं विधानसभा की समिति की घोषणा आप तो क्या उसमें क्या माननीय, आपने रविंद्र चौबे ने जवाब दिया और रविंद्र चौबे ने जवाब कृषि मंत्री होने के नाते नहीं दिया, रविंद्र चौबे ने जवाब दिया पंचायत मंत्री होने के नाते, क्योंकि पंचायत विभाग भी रविंद्र चौबे के पास है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने बहुत साफ किया कि किस तरह से 50-50% का बंदरबांट हो रहा है, ये साफ तौर पर यहां पर बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ चर्चा में बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका, हमारे साथ केएस चौहान जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं चौहान साहब के पास चलता हूं, चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी तो आरोप बाद में लगाएगी, पहले कांग्रेस ही आरोप लगा रही है डीएमएफ के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट का जो मिनरल फंड होता है सीधे तौर पर, जिला खनिज न्यास जिन्हें हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, बंदरबांट का आरोप कोई और नहीं कांग्रेस के ही विधायक प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम लगा रहे हैं। चौहान साहब जी, जी आदित्य जी, इसमें सबसे मेन बात यह है कि अब ये बोल नहीं सकते कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं, ये इसमें ये मुद्दे पे ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो बोलते हैं कि हम आदिवासी भाई बहनों की हितैषी सरकार है, हम अनुसूचित जनजाति भाई बहनों की हितैषी सरकार है, तो वहाँ का डीएमएफ फंड उसी क्षेत्र के लिए लगना चाहिए था जो कि भोली भाली जनता को वो बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई में नहीं रहती है, उसका फायदा उठाते हुए सबसे ज्यादा ये जो घोटाले हो रहे हैं वो वहीं पर हो रहे हैं जहां पर आदिवासी भाई बहन है, जहां पर साक्षरता की थोड़ी कमी है, जहां पर वो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, भरोसे में रहते हैं और उस भरोसे का विश्वासघात किया जा रहा है। ये बोलते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है,
सही बात बोलते हैं, भूपेश तो भरोसा है लेकिन भ्रष्टाचार के करने पे भरोसा है, ये बोलते हैं, ये आस्तीन के सांप बने हुए हैं। जब आरईएस को खरीद और बेचने का जब हक ही नहीं है, सिर्फ वो अनुमोदन कर सकते हैं, तो क्या ये बंदरबाट नहीं है तो और क्या, ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? इसमें इतनी जबरदस्त फंसी हुई है कांग्रेस सरकार जिसकी कोई हद नहीं है, और ये प्रूफ है। और ये बात मोहन मरकाम जी ने कही है, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पार्टी से उठ के अपने छत्तीसगढ़ को ज्यादा महत्व दिया, जनता को ज्यादा महत्व दिया, प्रदेश को महत्व दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। अगर ये हमारी ओर से उठता तो ये बोलते कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल जल चुकी है और उसकी बदबू सब जगह फैलने लग गई है, तब ये मामला सामने आया है। और ये पूरे ये एक नमूना है आदित्य जी। मैं जवाब ले लेता हूँ चौहान साहब, वापस आऊंगा आपके पास। जी जी सुरेन जी, किसी और ने नहीं, खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सरकार को घेरा है, कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल रहे हैं, उसकी टीस तो नहीं दिखा रहे मोहन मरकाम विधानसभा के भीतर? सुरेन जी, आदित्य जी, जो विधानसभा है वो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, जितने भी विधायक हैं 90 विधायकों का अधिकार है प्रश्न पूछना, और सारे सवालों का स्वागत है, और जवाब जो मंत्री जी ने दिया है उसके भी दो भाग हैं, और प्रश्न को समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उस क्षेत्र की जनता का अधिकार होता है जिसका दुरुपयोग हुआ है, या अपने गिरबान में जाके, मंत्री जी ने तो जवाब में स्पष्ट रूप से कहा ना कि जो कार्य पूछे गए थे, आरईएस तो सरकार की एजेंसी है ना, कार्य का इम्प्लीमेंट करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, आरईएस के द्वारा ही होता है। और जहां तक पंचायत ग्रामीण विभाग के कार्यों के संदर्भ में है, विगत दो वर्षों में जो वित्तीय वर्ष की जानकारी 31 जनवरी 2023 तक की आई है, उसमें जिला निर्माण समिति कोंडा गांव के द्वारा कोई भी आवंटित कार्य नहीं किया गया है, कार्य बड़ा स्पष्ट जवाब है। और जो आरईएस के माध्यम से काम हुए हैं 424 काम, उसकी भी जो शिकायत आई है, जांच की घोषणा कर दी गई है विधानसभा के भीतर राज्य सरकार की एजेंसी के द्वारा। आपको याद होगा जिला खनिज न्यास जो है उसमें बड़ा स्पष्ट प्रावधान है, और केंद्र सरकार तय करती है कहाँ खर्च करना है। सुरेंद्र जी अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा, मोहन मरकाम ने विधानसभा की समिति से जांच करने के लिए कहा है, मतलब उनको अपनी सरकार की जांच पे भरोसा नहीं, वो कहना चाह रहे हैं कि विधानसभा की समिति, आप भी जानते हैं विधानसभा की समिति जो बनेगी उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक रहेंगे, केवल पक्ष के नहीं रहेंगे, क्या सरकार की जांच से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं जांच होने के पहले ही मोहन मरकाम जी? सुरेंद्र जी, कहना मैं समझता हूं उचित नहीं है, प्रत्येक सदस्य को अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार आपकी है, आपकी सरकार से जांच कराने में क्या दिक्कत है सुरेन जी? नहीं, जांच की घोषणा तो कर दी गई है ना, अगर उस जांच रिपोर्ट से उन्होंने होंगे तो आगे उन्होंने विधानसभा की समिति से जांच की मांग की थी। ये आदित्य जी मूल बात उन्होंने विधानसभा की समिति से जांच की मांग की है कि ये वही प्रदेश है जहां पर डीएमएफ के फंड से कटोर तालाब में सौंदर्यीकरण हुआ, ये वही प्रदेश है जहां वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाए गए, दो दो मंजिल के बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाए जाते थे भाजपा के कुशासन में, अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनता था, जबकि स्पष्ट उल्लेख है कि जो खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र हैं वहां की जनता के लिए जो प्रभावित लोग हैं उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के खर्चे किए जाएंगे, तो 15 साल के कुशासन में कैसे दुरुपयोग हुआ उस बात से भी आप विदित हैं। और जिस प्रकार से बिल्कुल सुरेन जी वो दुरुपयोग हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया, इसलिए विपक्ष पे बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बंदरबाट हुआ, और बंदरबाट हुआ इसलिए जनता ने उन्हें 15 सीटों पर समटा दिया। चौहान साहब, ये जो मामला है डीएमएफ का, एक जिलों का नहीं, आपके समय भी लगातार उंगलियां उठी है, आपके समय में तो स्विमिंग पूल बन जाते थे डीएमएफ में, आपको याद होगा अधिकारी अपना घर बनवा लेते थे डीएमएफ में, ये जो डीएमएफ का जो मामला, ऐसा नहीं लगता कि इस पे बहुत ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए कहीं ना कहीं? क्योंकि आम जनता के लिए उपयोग के लिए पैसे हैं, उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए पैसे, लेकिन ये पैसों की अगर ऐसी बंदरबाट होती रही तो आदिवासी इलाकों का विकास कैसे होगा? चौहान साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी, डीएमएफ का जो पैसा है वो मिनरल फंड का पैसा है, वो उसी क्षेत्र के लिए है, क्योंकि उस क्षेत्र का मिनरल जो है, उस क्षेत्र का जो सोना है वो वहीं पर लगे, उसी को वो सुनहरा बनाए, ये बहुत सही बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई धांधली होती है, कोई वो
मुंह से बोलना, विपक्ष का मुंह से बोलना और दस्तावेज सब चीजें विधानसभा में उठाना, तो विधानसभा में डीएफ फंड के लिए कितने प्रश्न उठाए गए आप मेरे को ये बताइए, आपने ये क्या 15 साल में ऐसा कौन सा प्रश्न उठाया आप ये बताइए। दूसरी बात ये है कि आप तो विपक्ष में थे तो आप तो उठा ही सकते थे, आज इन्हीं के अध्यक्ष ने, और ये सिर्फ विधायक नहीं है, प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के अध्यक्ष हैं, इनके अध्यक्ष ने उठाया है, तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब होता है जब पानी स्तर से ऊपर निकल जाए आदित्य जी,